सो इट 6:40 इन द मॉर्निंग और आज का प्लान है, हमें जाना है मीटअप के लिए जो कि ऑर्गेनाइज किया है XBHP की तरफ से। हमारा जो मीटअप पॉइंट है वो है गोरेगांव, वहाँ से उसके बाद हम जाएंगे KTM शोरूम पवई की तरफ। फिलहाल तो अभी मैं लेट हो चुका हूँ, सो वेलकम बैक टू द चैनल राइड विद अस, दिस इज सूरज एंड आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो फिलहाल आज मैं गेयर अप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे जाना है सिर्फ पवई की तरफ और वहाँ से मैं जाऊँगा उल्लासनगर TRK 502 का टेस्ट राइड लेने के लिए। कल भी मैंने चेक किया था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने वाला है, इसलिए मैं गेयर अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्वेटिंग की वजह से बाद में बाइक चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे आपको ये सेटअप देख के कुछ अलग नहीं फील हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड टिल द व्लॉग, बहुत मज़ा आने वाला है, व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने फर्स्ट मीटअप पॉइंट के लिए जो कि है आरे कॉलोनी गोरेगांव। आई एम एट द लोकेशन और सारे बाइकर्स यहाँ पे लगभग पहुँच चुके हैं, तो ये कुछ बाइक्स के लाइनअप है। Thing that you have to take care of that we all have to ride safe, right? And when we are riding, we will be riding in two formats. Either it will be a single line format or it will be double line format. We will start. All right? Perfect. And then the rest of the meetup will happen at the Zanjo. Cool? Yeah. Good. वी आर रेडी टू लीव फ्रॉम हियर। तो अभी हम लोग हैं आरे कॉलोनी में, आरे कॉलोनी से हम जा रहे हैं KTM के शोरूम की तरफ। यहाँ पे ऑन एंड अराउंड आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 50-60 बाइकर्स अवेलेबल है। अभी जो फॉर्मेशन है वो 2x2 फॉर्मेशन है, मतलब एक के पीछे एक रहेंगे, तो आई गेस लास्ट में तो मैं ही हूँ। राइड चालू हो और कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी हुआ ये कि मैंने मेरा इंस्टा 360 लाया था, लेकिन इंस्टा 360 को मैंने कनेक्ट किया था मेरे सेल्फी स्टिक पे और सेटअप करते करते वो सेल्फी स्टिक टूट चुका है। To stop this world from spinning, like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. So let's get inside, let's do the registration part. Oh, meet the upcoming vlogger Nilesh Kadam, ride with Nilesh Kadam. Sorry, Nilesh Kadam ride. Superhero in the street. अगर आप सामने देखोगे तो रजिस्ट्रेशन सबका चालू है। एंड लुक हु इज इन द हाउस, परेश टोरी ऑन व्हील। थैंक यू सो मच।
अरे नाही असं सपोर्ट करत राहा, असंच प्रेम भरभरून देत राहा आणि लवकरच मीटअप वगैरे अजून प्लॅन करू आपला आपला मीटअप स्पेशली. गोइंग फॉर अ टुरिंग यू वुड प्रेफर टू हॅव अ टुरिंग मोटरसायकल विथ यू विच हॅज द राईट अमाऊंट ऑफ ग्राउंड क्लिअरन्स, सस्पेन्शन इज गुड अँड इवन इफ XBHP has been committed to inspiring all of you by riding around India and the world. In 2006, we started from our own backyard with the Great Indian Road Trip. And then we went around Australia for 22,000 kilometers on two motorcycles in 2007. Since then, we have done over 60 countries around the world on the choicest of motorcycles and machines. Anybody wants to make a correction here? Not sure, but I guess it was a Pulsar 20. Absolutely right. Please come here. यहाँ पे मैं test ride लूँगा Adventure 390 का. First time ride करूँगा. देखूँगा experience कैसा है 390 Adventure का. Second जो bike test ride आज लेने वाला हूँ वो है Bentley TRK 502. तो उसका भी test ride लूँगा. और दोनों का भी परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी बाइक अपने को लेनी चाहिए अपने एडवेंचर के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. ओह हाइट वाइज तो काफ़ी ज़्यादा है. सो ये है इसका डिस्प्ले कुछ ऐसा, किल स्विच वगैरह दिया, किल स्विच ऑन है इस समय इसीलिए लो फ्यूल का इंडिकेटर दे रहा है. सो ये इसके कुछ मोड्स है, KTM ट्रिप्स रेट मोटरसाइकिल सेटिंग, सेटिंग में क्विक सेटिंग, ब्लूटूथ डिस्प्ले, थीम, शिफ्ट लाइट, क्लॉक, यूनिट, लैंग्वेज. मैं ज़्यादा चीज़ें तो अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं टेस्ट राइड के लिए. तो फटाफट पहले इसका एक टेस्ट राइड, क्विक टेस्ट राइड लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है. ओहो क्लचिंग तो काफ़ी अच्छा है. भाई साहब पावर तो भरपूर है गाड़ी में. मुझे यहाँ पे भगाने के लिए तो नहीं मिल रहा है बट मैं फील कर सकता हूँ कि यहाँ पे पावर बहुत अच्छा है, पावर दिया हुआ है. बहुत ही अच्छा वाला सीटिंग अरेंजमेंट है. गाड़ी चलाने में लाइट फील हो रही है. ब्रेकिंग भी अच्छा दिया हुआ है. मुझे मेन कंसर्न था इस बाइक का कि मेरा हाइट पहुंचेगा कि नहीं, बट मैं इजीली इसको राइड कर पा रहा हूँ. सो जब तक सिग्नल है तब तक मैं आपको इसके मोड्स दिखा देता हूँ. ओहो यहाँ पे भी टर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है. अभी इसको मैंने खट्टे से निकाला लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा भी जर्क फील नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रू एडवेंचर बाइक है. भाई साहब चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है भाई कभी का भी बुक करके लेके निकल जाओ. फर्स्ट गियर पे काफ़ी अच्छा इसको पावर दिया हुआ है.
सीरियसली बोलूँ तो टेस्ट राइड जो है वो हाईवे पे होना चाहिए था। ये रोड पे आप क्या ही टेस्ट राइड लोगे, जैसे ही चलाते ही अभी देख लो सिग्नल लग गया, ट्रैफिक है, ट्रैफिक में बाइक का परफॉर्मेंस मालूम नहीं पड़ेगा। ओहो ब्रेकिंग तो इसका काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है। अभी ये रोड मोड पे है, ऑफ रोडिंग पे नहीं है। ABS क्विक शिफ्ट ऑन है, MTC ऑन है, तो KTM माई राइड है, ऑडियो नेविगेशन पेयरिंग, ये कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं मेन्यू के अंदर में। सो ऑन बाइक आपको जो डिस्प्ले बताएगा वो बताएगा ट्रिप वन डेट एंड बैटरी वोल्टेज। तो बैटरी वोल्ट जो इसका बता रहा है वो मुझे बस दिखा रहा है 13.9 वोल्ट अभी बैटरी चार्जिंग पे है, सॉरी कंजम्पशन पे है, आई गेस ये कंजम्पशन का ही दिखा रहा होगा। ओहो भाई देखो एडवेंचर बाइक चलाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लुक्स में उतना ज़्यादा नहीं है। मैं इस पे शेडिंग करना चाहूँ तो लेट्स डू शेडलिंग, थोड़ा देखते हैं कहाँ पे हो सकता है। शेडलिंग तो प्रॉपर हो ही रहा है, तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ उल्लासनगर के लिए बेनली के शोरूम में। TRK 502 का भी एक बार टेस्ट राइड लेके देखते हैं कैसा है, उसका भी परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं। तो रास्ते में ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ बेनली के शोरूम में। सो हर ब्लॉगर की कहानी, राइड से आने के बाद यहाँ चल रहा है डेटा ट्रांसफ़र। तो गाइस राइड पर जाए और कोई कांड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हुआ ये कि मैंने मेरे इंस्टा 360 को इस सेल्फी स्टिक पे माउंट किया हुआ था और इसका जो पार्ट है वो इस अटैचमेंट के अंदर टूट के रह गया। किस्मत ये कि राइड शुरू होने से पहले ही ये कांड हो गया, अगर राइड के बीच में होता था तो हो सकता था बहुत बड़ा नुकसान, मेरा नया इंस्टा 360 खराब जा सकता था। और दूसरा बड़ा कांड जो हुआ मेरे साथ कि राइड कंप्लीट होने के बाद में मेरा ये जो हेलमेट माउंट है वो टूट गया। आप अगर देख सकते हो कि ये यहाँ से स्ट्रैप टूट चुका है दोनों बाजू का, क्या ही कर सकते हैं। बेटर चीज़ ये जो माउंट मेरा ब्रेक हुआ वो ब्रेक हुआ ADV 390 के टेस्ट राइड के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे रिकॉर्ड करना था मेन TRK का टेस्ट राइड, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो गाइज आज है सैटरडे, कल है संडे, कल भी हमारा राइड प्लान है, उसके लिए मैंने अर्जेंसी में ये माउंट परचेस किया है। माउंट अगर देखा जाए तो ये इस टाइप का एक माउंट है, इसको डायरेक्टली हम लोग हेलमेट पर माउंट कर सकते हैं। सो जो ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है इस बोया माइक की वजह से। बोया का मैंने BY MM1 माइक परचेस किया है जिसको मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है और यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंडली मैंने परचेस किया है लेंस जो कि है वाइड एंगल लेंस, इसके वजह से जो एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सो मेरा ये जो अभी कैमरे का सेटअप है वो सेटअप काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो सेटअप कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ मेरे इस आईफोन से। सो इस वक्त जो मैं शूट कर रहा हूँ वो मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ। सो इस समय ये मेरा व्लॉगिंग सेटअप कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये लेंस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है और होल्ड करने के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। सो गाइस पहले करते हैं वीडियो को एडिट, पॉसिबिलिटी है ये वीडियो संडे को लाइव हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। वीडियो पे अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड स्टे ट्यून्ड।